वहीं उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस हादसे में घायल हुए सभी लोगों को तीव्रता से तीरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। धमाके की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं सिलेंडर से आग लगने और धमाके की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि जिस पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ वो कन्नौज के दौलतपुर गांव में एक घर में चल रही थी, और हाल में देखें तो पटाखा फैक्ट्री में धमाके की ये पहली घटना नहीं है, बल्कि सितंबर के महीने में भी 2 बड़े धमाके की खबरें आई थी। पहले पंजाब के गुरदासपुर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने के कारण 21 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं उत्तर प्रदेश के एटा में भी पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे में घायल हुए सभी लोगों को तीरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। धमाके की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं सिलेंडर से आग लगने और धमाके की आशंका जताई जा रही है। जिस पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है वह कन्नौज के दौलतपुर गांव में एक घर में चल रही थी।